तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आपके बीच में, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड रिजल्ट का, तो कल दोपहर में ही आपका जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बात करें, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट की बात करें, तो घोषित कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अब की 2024 के रिजल्ट में निराश होना पड़ा, यानी वो अभ्यर्थी किसी कारणवश फेल हो गए। ठीक है, तो वो बिल्कुल अवसादों से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं कि आखिरकार अब हम लोग फेल हो गए हैं तो हम लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्या हम 2024 में ही हाई स्कूल, जैसे अगर आप हाई स्कूल में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी इंटरमीडिएट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं भैया आखिरकार हम लोगों के लिए अगला रास्ता क्या हो सकता है, क्या हम 2024 में ही पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नीचे यहाँ कुछ लोगों को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिरकार कंपार्टमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 12वीं के बाद अगला कदम क्या हो सकता है, देखिए अभी आपकी ऐसी एज है जो अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित बने हुए हैं कि अब तो हम 12वीं पास ही कर लिए हैं, अब हमारे लिए अगला कदम क्या हो सकता है। बट इधर देखिए, जो है सफलता की राह में हाई स्कूल और 12वीं के अंक का कोई मायने नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर भी कम आए होंगे, वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार अब तो हमारा नंबर कम आ गया, हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा है, क्या हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो अंक हैं वो आपके भविष्य के लिए मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपके बीच में कुछ अपडेट्स दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं किसी कारणवश या जिनके नंबर कम आए हुए हैं, उसमें जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी क्या राय है। देखिए, IAS एवं PCS अफसर बोले, नंबरों के फेर में पढ़ने के बजाय परिश्रम पर जोर दें। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, यहाँ देखिएगा, हम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ देख लीजिए, मैं तो लिपिक की परीक्षा में भी फेल हो गया था। कहा जा रहा है कि नंबर गेम में उलझने के बजाय कड़ी मेहनत और लगन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सच बताऊँ तो मैं पहली बार लिपिक की परीक्षा देते और उसमें असफल हो गया था। इसके बाद मैंने न्यूनतम जो है PCS अफसर बनने का जो मापदंड तय कर दृढ़ संकल्प के साथ आगे की तैयारी कर, परिणाम सबके सामने है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सच्चिदानंद यादव, DIOS। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इन्होंने कहा कि हम पहली बार लिपिक की ही परीक्षा में जो है क्वालिफाई नहीं हुए हैं। अगला, मुझे हाई स्कूल और इंटर के नंबर कभी नहीं पूछे गए। ये क्या है, ये ब्रजेश श्रीवास्तव SP हैं। ठीक है, कहा जा रहा है, यूं तो मैं ओवरऑल फर्स्ट क्लास रहा, लेकिन सत्य बताऊं तो कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में मुझसे हाई स्कूल इंटर के अंक नहीं पूछे गए। वैसे भी मेरे जानने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जिसके सामने जो है अंक बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी कम हैं, लेकिन आज वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में शिखर पर हैं। लिहाजा सफलता का मापदंड बोर्ड परीक्षाओं के मायने के बजाय मेहनत पर ध्यान दें। ठीक है, यहाँ आपने देखा, अगला हम आपको दिखाना चाहेंगे, भटकाव के बाद भी नहीं छोड़ा परिश्रम, देख सकते हैं राजेश राय DM, इनका क्या कहना है आप ध्यान देंगे। कहा जा रहा, जिलाधिकारी राजेश कुमार राय का कहना है कि उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है द्वितीय श्रेणी में पास किए थे, इसके जो इससे उन्हें थोड़ा सा भटकाव हुआ, लेकिन परिश्रम का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा, नतीजतन भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया, लिहाजा हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाओं में अंतिम सत्य मानकर निराश होकर बैठने के बजाय परिश्रम का रास्ता चुनी, क्योंकि इन परीक्षाओं से आगे भी सफलता की राह गुजरती है। ठीक है, अब जो लोग कम नंबर पाए हुए होंगे, ये इनके लिए आप इन्हीं को आइडियल बना लीजिए। ठीक है, इन्हीं को आप अपना आदर्श बना लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि अगले आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए, जो लोग जो है किसी पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म जो होता है वो 14 मई तक जो है भर सकते हैं। कैसे आप करेंगे, देखिए कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम जो है
जारी होने के साथ स्पुटनिक के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 14 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इसके लिए ₹500 शुल्क भी जमा करना होगा। जिन परीक्षाओं का उनकी जो है मेहनत के मुताबिक अंक न मिला हो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव जो है विभा मिश्र ने बताया कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन जो है यहाँ देखिए वेबसाइट दिया गया है। परिणाम आने के बाद वेबसाइट का लिंक जो है दे दिया गया है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के जो है प्रति प्रश्न पत्र की दर से ₹500 शुल्क जमा करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पेपर का स्क्रूटनी कराते हैं तो आपको ₹500 देना होगा। दो पेपर यानी पर पेपर के हिसाब से ₹500 आपका तय किया गया है। ठीक है, आगे फिर जो है ऑनलाइन जमा कर प्रिंट या मूल चालान प्राप्त करने के रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। उन्होंने बताया कि कुरियर या साधारण डाक से भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ परिणाम जारी करने के बाद 3 दिन का अवकाश, जब आपका परिणाम जारी हुआ 21-22-23 अप्रैल को आपको अवकाश घोषित कर दिया गया है। 4 अप्रैल को शुरू होगा ग्रीवांशल, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने सारी चीज़ों से देख लिया, आप परिचित भी हो गए हैं। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी भैया आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं किसी कारणवश किसी पेपर में, तो पहली चीज़ आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद अगर आप स्क्रूटनी में भी क्वालिफाई नहीं होते हैं तो एक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। हालांकि अभी इसका लिंक जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही इसका लिंक आता है हम आपको बता देंगे। 12वीं के बाद अगला रास्ता आपके लिए क्या हो सकता है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप लगातार इस बात को पूछ रहे हैं। ठीक है, थोड़े से प्रश्न और आपके आ जाए उसके बाद हम आपको इस पर विस्तृत रूप से जो है बताएंगे कि 12वीं के बाद कुछ लोग हैं जो BSc BA करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बी फार्मा BTech वगैरह भी करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, आपका भविष्य कहाँ कैसे संवरेगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।